एवरीवन, आज मैं कुछ ऐसे हाइजीन टिप शेयर करूंगी जो कि आप सभी को फॉलो करना चाहिए। ओरल हाइजीन से लेकर पीरियड हाइजीन तक सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पीरियड हाइजीन। मार्केट में आपको पैड के थिक और थिन सभी वेरिएशन मिल जाते हैं। इसकी थिकनेस आपके ब्लड फ्लो पर डिपेंड करती है। अगर ब्लड फ्लो आपका ज्यादा है तो थिक पैड यूज करो, और अगर कम है तो थिन पैड यूज करो। अगर हम अपने ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग पैड यूज नहीं करते हैं तो बहुत इरिटेशन होती है और 24/7 यही डर होता है कि कहीं स्टेन न लगा हो, तो इससे बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं होती, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सेकंड इम्पोर्टेंट टिप कि आपको मैक्सिमम 3-4 आवर के बाद अपना पैड चेंज करना है, चाहे ब्लड फ्लो ज्यादा हो या कम, आपको चेंज करना ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जर्म्स बैक्टीरियाज बिल्डअप हो जाते हैं, तो ये आपको इन्फेक्शन रैसेज इन सबसे बचाएगा। हर टिप इज टू यूज कॉटन अंडरवियर ड्यूरिंग पीरियड या फिर रेगुलर बेसिस पर आपको ये पहनना होता है, तो आप ऐसे अंडरवियर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर रैसेज इरिटेशन नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है ये और कंफर्टेबल भी होता है। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पीरियड आता है और वो पैड यूज करते हैं तो उसे निकाल करके ऐसे ही फेंक देते हैं, इससे इन्फेक्शन होने का भी डर होता है, तो आपको ऐसे नहीं फेंकना है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इससे हाइजीन भी मेंटेन नहीं होती है। आपको इस तरीके का लिफाफा मिलता है, आप इस तरीके के लिफाफा में उसे फोल्ड करके फेंक सकते हो या फिर आप पेपर में फोल्ड करके आप फेंक सकते हो उसे। नेक्स्ट टिप इज टू कीप योर प्राइवेट पार्ट ड्राई एंड क्लीन। जब भी बाथरूम जाओ तो हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना है ताकि वो डार्क ना हो या फिर वहाँ पर रैशेज ना हो, इरिटेशन ना हो। सिंपली आप टैप वाटर से अपने पार्ट्स को क्लीन करना है आपको। आपको कोई भी फैंसी प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है और उसे ड्राई रखना है। जब भी आप पैड लेने जाना तो इसकी थिकनेस और लेंथ का पूरा ध्यान देना। वो पैड के कवर पर शो होता है, आप देखना वहाँ पर लिखा होता है। अगर आपका ब्लड फ्लो ज्यादा है या रात के लिए आप यूज करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा लार्ज पैड यूज करो, क्योंकि यार विंटर में रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। जैसे मैं एवरीडे 9-10 बजे के पहले बिस्तर से निकलती ही नहीं। तो ये तो कुछ ऐसे टिप्स थे जिससे पूरा गेम चेंज हो सकता है, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। हम में से किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम जिससे बात करें उनके मुंह से बुरी स्मेल आए और हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, राइट? तो हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे बारे में भी ऐसा सोचे। तो हमें ओरल हाइजीन का जरूर ध्यान रखना है और दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना है। आप चाहे जितने भी महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन लो, अगर आपकी बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं है तो इन सब का भी कोई फायदा नहीं है। तो अपने सॉक्स, अंडरवियर, हैंकी, स्टॉल, इन सब को आपको हमेशा क्लीन रखना है। अगर आप इसे अभी तक इग्नोर करते आए हैं तो आज से ही इसको अपना हैबिट बना लो। नेक्स्ट, आपके जो भी ब्यूटी टूल्स हैं, आसपास की चीजें जिसे आप हमेशा टच करते हैं, जैसे बॉटल, कंघी, मोबाइल कवर, मेकअप ब्रश, पर्स एक्सेट्रा, इन सब को भी हमेशा आपको साफ सुथरा रखना है, क्योंकि हाइजीन केवल हमारी बॉडी की नहीं होती, सराउंडिंग्स की भी होती है। तो जैसे बॉडी रजर्स हैं, जब भी आप इसे यूज करो तो अपने हमेशा इसको सैनिटाइज करना है एंड जस्ट मेक श्योर कि आप इसको 3-4 बार ही केवल यूज करो। तो जो हेयर प्रोडक्ट है ना, जैसे कि ब्रश, स्कैल्प मसाजर, इन सब को भी हम यूज करते हैं और वैसे ही रख देते हैं जिसमें बाल लगे होते हैं, तो आपको हमेशा इसके अंदर के टूटे हुए बाल निकालने हैं एंड फिर रखना है। तो ये बेसिक सी हाइजीन है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी ब्रशेज हैं उसको भी आपको वॉश करते रहना है, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरियाज होते ही हैं। और ये भी अच्छा नहीं लगता कि आपके लिप्स बहुत ही ड्राई हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके लिए आप एक मॉइस्चराइजिंग लिप बाम बना सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन लिया है और यहाँ पर मैंने विटामिन ए का कैप्सूल लिया है और कॉटन पैड लिया है मैंने। इन दोनों को मिक्स करके कॉटन पैड में इसे हम डिप करेंगे एंड इसे आप भी कैसे भी करके स्टोर करके रख सकते हो। आपको जब भी मन करे, जब भी लगाना हो, अपने लिप्स पे इस तरीके से लगाओ, मॉइस्चराइज हो जाएगी लिप्स, पिंक भी रहेगी और फटेंगे भी नहीं। आप चाहो तो इसे अपने पैर में भी लगा सकते हो, लगा करके सॉक्स पहन लो, इससे आपके पैर मॉइस्चराइज रहेंगे और अच्छा भी दिखेगा। ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आपके नोज या चिन पर बहुत सारे ब्लैक हेड्स हो, तो आप ये वाला नोज स्ट्रिप यूज कर सकते हो। मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया था, आपके पास अगर हो तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। मैंने ये पर्पल ऐप से लिया था, तो लिंक अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ले लेना। बेसिक हाइजीन का ये भी मतलब है कि आपको अनवांटेड बॉडी और फेशियल हेयर को रिमूव करना है। ये टिप उनके लिए हैं जो अबव 50 हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट टिप कि आपको हेयर रिमूवर क्रीम यूज नहीं करनी है, ये आपके पार्ट्स को बहुत ही ज्यादा डार्क कर देते हैं। और फेशियल हेयर तो आप टिंकल रेजर से भी रिमूव कर सकते हैं, तो टिंकल रेजर आपको जब भी यूज करो अपने फेस पे तो आप इस तरीके से यूज करना और ऐसे रुक रुक करके यूज मत करना, क्योंकि इससे कटने के
चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है डबल क्लिंजर। डबल क्लिंजर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी होता है हम केवल फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लेते हैं, जो कि हमारे जो मेकअप के पार्ट्स कुछ होते हैं वो फेस पे रह ही जाते हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करो, या तो अगर आपके पास मिसेलर वाटर है तो आप वो यूज करो, या फिर कोकोनट ऑयल से ज्यादा अच्छा और कुछ मेरे लिए हो भी नहीं सकता। तो मैं तो कोकोनट ऑयल से पहले मैं रिमूव करती हूँ, उसे टिश्यू से वाइप कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, तो मेकअप जो है या फिर डर्ट्स जो है वो सारे निकल जाते हैं। तो इसे बोलते हैं डबल क्लेंजर। शावर लेना ही बहुत बड़ा तोप नहीं है, बॉडी क्लीन भी होनी चाहिए। तो जैसे हम फेस को स्क्रब करते हैं, बॉडी की स्क्रबिंग भी वैसी ही जरूरी होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इससे बॉडी के ऊपर के जो भी इनग्रोन हेयर हैं, एक्ने हैं, वो चले जाते हैं और बॉडी भी मॉइस्चराइज रहती है। तो चलो हम DIY स्क्रब बनाते हैं शुगर पाउडर, कॉफी एंड कोकोनट ऑयल के साथ। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ यही तीन चीजें यूज की हैं, आप लोग चाहो तो हनी भी यूज कर सकते हो। हम डेली एक मिस्टेक करते ही हैं, जैसे काफी ज्यादा हमारे स्किन के ऊपर टेक्सचर आता है, स्पेशली चिन के ऊपर इस तरीके के बम्प्स आ जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि पहले हम फेस वॉश करते हैं एंड देन उसके बाद हम ब्रश करते हैं, तो जो सारे जर्म्स और सलाइवाज होते हैं वो दोबारा हमारे फेस के ऊपर आकर लग जाता है, जबकि आपको ऐसे नहीं करना है। करेक्ट ऑर्डर है आपका कि आप पहले ब्रश करो अच्छे से, ब्रश करने के बाद एंड देन आप फेस वॉश करो, तो इस तरीके के बम्प्स आपके फेस पर नहीं होंगे। तो गाइस ये थी मेरी कुछ टिप्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ सेव करके भी रख लेना अपने आगे के यूज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।